दिया कि तुम्हारी गर्दन जो है उठती रहेगी, इसलिए तेरी गर्दन है। उससे आगे जाने के बाद जो है भगवान शिव के वीरान झरने हैं जिसमें भागीरथी गंगा बह रही है, उनके नीचे 33 करोड़ देवी देवता हैं जो उनकी आराधना है। वहां पर जो है नंदी भी है उनके बगल में और कुंड भी बना है जो जल कुंड युक्त है। उससे आगे जाने के बाद ताम्र शक्ति है, भगवान शिव का जो है मैन स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश है और उसमें जो तांबे की प्लेट है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कवर किया उसको 8वीं शताब्दी में। यहाँ की शक्तिपीठ हो गई गंगोली हाट कालिका की हुई, जागेश्वर की हुई, एक ही साइड टाइम में ये ढगे गए थे। फिर वहाँ से पांडवों की गुफा है, पांडवों ने भगवान शिव के साथ भी अंतिम चौपड़ खेला इस पाताल में। वहाँ से बद्रीनाथ का मार्ग है और दूसरा मार्ग जो है स्वर्गारोहण का है जिससे युधिष्ठिर को स्वर्ग में ले जाया गया। वहां से फिर हमारी वापसी होती है, वहां से हम चार एक मंच के बीच में पहुंचते हैं जहां पर चार युग है उस मंच के ऊपर। उसमें पहले कलयुग का लिंग दर्शाया गया है, उसके पीछे में सतयुग है, उससे ऊपर जो है त्रेता युग है, फिर उससे नीचे जो है द्वापर युग है। कलयुग के बारे में ऐसा वर्णन है कि जिस दिन कलयुग ब्रह्मांड को छूलेगा उस दिन जो है पृथ्वी का अंत हो जाएगा। वहां से भी जो है सेतु बंद रामेश्वरम वाली गुफा है। फिर वहां से हम अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां भगवान शिव का कमंडल है। उसके बारे में बताया गया कि धातु की अगर आदमी तीर बना के लाए, अगर उस तीर से आदमी उसमें मारे तो उसकी मन्नत पूर्ण होगी, बशर्ते तीर टकराना नहीं चाहिए, ऐसा जिक्र है। क्योंकि इसका पौराणिक उल्लेख है पहले के जो राजा महाराजा लोग होते थे पाताल में जो है अपने भाग्य को आजमाते थे। उससे आगे जाने के बाद जो है ऐरावत हाथी है जिनका मस्तक है, उनके कान है और दांत है और बाहर की ऐरावत हाथी की पूरी फिगर है और उसके जो है 1000 पैर हैं जो पूरी गुफा के अंदर प्रतिष्ठित होते हैं। इसी के साथ में जो है पाताल की पूरी यात्रा समाप्त होती है और पृथ्वी लोक की यात्रा शुरू होती है। पाताल भुवनेश्वर के दर्शन कर डोली यात्रा ने दर्शन किए गंगोली हाट की माँ कालिका मंदिर के। माँ कालिका मंदिर पिथौरागढ़ से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर है। देवदार के घने वृक्षों के मध्य स्थित इस शक्तिपीठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। गंगोली हाट से यात्रा थल से होते हुए आ पहुंची मुंशियारी। ये स्थान छोटे कश्मीर के रूप से जाना जाता है। इसे चारों ओर से बर्फ से ढकी हिमालय श्रृंखलाओं ने घेरा है। चारों ओर आकर्षित कर देने वाली नंदा देवी, नंदा कोट, राजरंका, पंचोली जैसी चोटियों ने इसका श्रृंगार किया है। कहते हैं कि पांडवों की स्वर्ग यात्रा का प्रारंभिक पड़ाव यही था। मुंशियारी से यात्रा बसंतकोट, मतकोट एवं प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए जौलजीवी शिवालय दर्शन हेतु पहुंची। जौलजीवी जैसे ऐतिहासिक क्षेत्र धरोहर हैं ऐतिहासिक मेले की। जौलजीवी भारत नेपाल सीमा पर काली और गौरी नदियों के संगम पर स्थित छोटा सा बाजार है। यहाँ प्रतिवर्ष ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय जौलजीवी मेला लगता है और संगम होता है विभिन्न संस्कृतियों का। जौलजीवी व्यापारिक क्षेत्र से होते हुए यात्रा अस्कोट श्री मल्लिका अर्जुन मंदिर में दर्शन के लिए आई। श्री मल्लिका अर्जुन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे जाना जाता है ज्योतिर्लिंग के रूप में। दर्शन से धन्य हुई यात्रा ने आगे की ओर प्रस्थान किया और डीडी हाट पहुंचकर भगवान मलाईनाथ जी के दर्शन किए। डीडी हाट में डोली रथ यात्रा का स्वागत स्कूल की छात्राओं द्वारा कलश यात्रा से किया गया।
वर्षा के बावजूद लोगों में यात्रा के प्रति अति उत्साह देखने को मिला। डीडीहाट से प्रस्थान कर डोली रथ यात्रा कनाली छीना से होते हुए आ पहुंची पिथौरागढ़ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध देव स्थलों में से एक है। इसका निर्माण मोनी बाबा द्वारा करवाया गया था। भक्ति भाव में डूबी ये यात्रा एशियन एकेडमी एचौली पहुंची। बोलो जागेश्वर की जय, जय बोलो गोलूदेव की जय, जय बोलो जागेश्वर की जय, जय बोलो गोलूदेव की जय, बोलो जागेश्वर की जय, जय बोलो गोलूदेव की जय। प्राकृतिक सुंदरता को निहारते हुए डोली रथ यात्रा लोहाघाट स्थित विश्वेश्वर मंदिर से प्रस्थान कर यात्रा देवीधार होते हुए पहुंची चंपावत। तत्पश्चात बालेश्वर मंदिर चंपावत के दर्शन कर भव्य यात्रा आ पहुंची देवी धुरा के मां बाराही देवी के मंदिर प्रांगण में। ये मंदिर चंद्रवंश के राजाओं को मां सिद्ध के रूप में प्राप्त हुआ था। श्रवण माह की पूर्णमासी को यहां बगवाल मेला लगता है। बगवाल मेले में पत्थरों द्वारा खेल खेला जाता है। देवी धुरा से प्रस्थान कर पहाड़ की कलकल करती नदियों, वृक्षों की छाया और लहलहाते खेतों तथा मंत्र मुग्ध करने वाले दृश्यों से युक्त ये भक्तिमय यात्रा फाटक चलनी छीना लमगड़ा होते हुए जागेश्वर धाम पहुंची। जागेश्वर धाम प्रकृति का दिया एक सुंदर उपहार है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग इस धाम में कुल 124 मंदिरों का समूह है, जिसमें 108 महादेव के मंदिर हैं। बाकी अन्य देवी देवताओं के मंदिर इस स्थान पर स्थापित हैं। जागेश्वर धाम से ये यात्रा अल्मोड़ा स्थित चितई श्री गोलू देवता के मंदिर पहुंची। गोलू देवता कुमाऊं के प्रमुख देवता जय बोलो लक्ष्मी नारायण जय, बोलो हरे कृष्णा की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण जय, बोलो हरे कृष्णा की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण जय, बोलो हरे कृष्णा की जय। अल्मोड़ा हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी के रूप में जाना जाता है। इस शहर में नंदा देवी का मंदिर कत्यूरी राजाओं के समय से ही अपना अलग महत्व रखता है। अल्मोड़ा से मां नंदा के प्रेम स्वरूप दर्शनों की छवि को निहारने के पश्चात डोली रथ यात्रा रानीखेत में पंचेश्वर के दर्शन कर कैंची धाम नीम करौली बाबा आश्रम पहुंची। कैंची धाम बजरंगबली हनुमान जी का प्रतीक एवं प्रख्यात मंदिर है। यहां पर नीम करौली बाबा आश्रम स्थित है, जिसका निर्माण 1960 में हुआ था। कैंची धाम में बजरंग बली के दर्शन व बाबा नीम करौली आश्रम के दर्शन कर यात्रा भवाली पार कर झीलों के शहर नैनीताल पहुंची। नैनीताल भारत का एक प्रमुख हिल स्टेशन है,
जो पहाड़ों की खूबसूरती को एक झलक में ही बयां कर देता है। यहां पर मां नैना देवी का मंदिर स्थित है। स्कंद पुराण के अनुसार जब शिव सती की मृत देह को लेकर यहां से गुजरे तो यहां पर माता सती के नेत्र गिरे और ये शक्तिपीठ नैना देवी कहलाया। मां के नैनों के रूप में दर्शन प्राप्त करने के पश्चात एवं सुंदर मनोहर झील के किनारे से होती हुई यात्रा जौलीकोट काठ गोदाम होती हुई हल्द्वानी श्री सत्यनारायण मंदिर पहुंची। भक्तों द्वारा भगवान सत्यनारायण को नमन करने के पश्चात यात्रियों द्वारा यहीं विश्राम किया गया। हल्द्वानी से होकर यात्रा काला ढूंगी को पार कर रामनगर पहुंची। यहां पर भक्तों द्वारा सिद्धेश्वर मंदिर के दर्शन किए गए। रामनगर प्रसिद्ध है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के लिए। रामनगर से काशीपुर जसपुर होते हुए आ पहुंची कोटद्वार में बाबा सिद्ध बलि मंदिर। यहां पर यात्रा का स्वागत किया विधायक श्री दिलीप सिंह रावत जी ने, जो कि सिद्ध बलि मंदिर के महंत भी हैं। कोटद्वार उत्तराखंड में बड़े व्यवसायिक शहरों में गिना जाता है। सिद्ध बलि मंदिर प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में से एक है और गोला नदी के किनारे भाबर स्थित है। सिद्ध बलि बाबा के दर्शन कर डोली यात्रा लैंसडाउन की खूबसूरत वादियों से होती हुई जहरी खाल गुमखाल सतपुली पाटीसैण और बुआ खाल से होते हुए पहुंची पौड़ी गढ़वाल स्थित किंकालेश्वर मंदिर। यात्रा ने पौड़ी से प्रस्थान किया और खिरसू खेड़ा खाल खाकरा होते हुए रुद्रप्रयाग श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर में पहुंची। रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक है। यहां के दृश्य चित्त को मोह लेते हैं। कोटेश्वर महादेव की गुफा रूपी सुंदरतम मंदिर अलकनंदा के तट पर विराजमान है। कहा जाता है इसकी स्थापना स्वयं पशुपतिनाथ शिव ने केदार जाते समय की थी। यात्रा अपने अगले पड़ाव तिलवाड़ा से होते हुए अगस्त्य मुनि पहुंची। यहां पर स्कूल की छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा में यात्रा का स्वागत किया। डोली रथ यात्रा चंद्रपुरी भीरी से होती हुई ऊखी मठ पहुंची। ऊखी मठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों में से एक है। के अनुसार इस स्थान पर वाणासुर दैत्य की पुत्री उषा एवं भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह हुआ था। ऊखी मठ से यात्रा शंकराचार्य द्वारा स्थापित दूसरे मठ काली मठ पहुंची। ये मंदाकिनी घाटी में गुप्त काशी से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। केदार सखा और सरस्वती तथा काली नदी के दाहिने तट पर काली मठ मंदिर स्थित है। उत्तराखंड के शक्ति स्थलों में यह विशेष महत्व रखता है। कालीमठ मंदिर के प्रांगण में ही पौराणिक श्री महालक्ष्मी मंदिर श्री गौरी शंकर मंदिर
एवं श्री महासरस्वती मंदिर विद्यमान है। समीप ही श्री भैरवनाथ जी का मंदिर भी विद्यमान है। उत्तराखंड हमारी पतित पावन देव भूमि, जिसमें सतरंगी संस्कृति समाई हुई है और विविधता चप्पे चप्पे में दिखाई देती है। उसी सतरंगी संस्कृति को दर्शाती ये डोली रथ यात्रा काली मठ से प्रस्थान कर अपने अगले गंतव्य गुप्त काशी पहुंची। राजकीय इंटर कॉलेज में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया तथा भक्तों ने मां जगदीशिला व बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात यात्रा श्री विश्वनाथ मंदिर के दर्शन हेतु पहुंची। इस मंदिर को काशी के विश्वनाथ मंदिर के समकक्ष माना जाता है। भारतीय पुरातत्व के अनुसार ये कत्यूर शैली में बना हुआ मंदिर है और इसको जो है पांडव कालीन भी बताया जाता है। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों को गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या लगी तो उससे बचने के लिए वो भगवान कृष्ण के पास उपाय पूछने के लिए जब गए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई तुमको गोत्र हत्या लगी है, ब्रह्म हत्या लगी है। कहते हैं कि उस समय पांडवों को जो है लेप्रोसी, जो कुष्ठ रोग होता है, उनके शरीर से मवाद निकलने लगा था। उसके चलते भगवान कृष्ण के पास जब गए तो भगवान कृष्ण ने कहा भाई आप हिमालय में जाओ, उस समय वहाँ पर भगवान शंकर हैं, विराजमान हैं, यदि वो तुमको दर्शन देते हैं तो तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि भगवान कृष्ण ही उनको सब कुछ बता दिया था कि बाबा इस समय कहाँ हैं, बनारस काशी में थे और बनारस से वो उत्तरकाशी में आए, उत्तरकाशी से गुप्त काशी में, भगवान यहीं बैठे बैठे गुप्त हो गए और जमीन में जो है समाधिस्थ हो गए, द्वास उन्होंने लिया। कहते हैं कि यहाँ पर पांडवों ने लगभग 140 वर्ष का आकलन है, इतने हजार वर्षों तक जो है भगवान ने यहाँ पर पूजा पाठ किया और बाद में जो है अर्धनारेश्वर के रूप में भगवान शंकर ने पांडवों को दर्शन दिए और कहा कि पूर्ण दर्शन के लिए आप हिमालय में आए, वहीं से उनको मोक्ष की प्राप्ति। भगवान विश्वनाथ जी और उनका रूप अर्धनारीश्वर के दर्शन कर ये डोली रथ यात्रा डॉक्टर जैक्सविन नेशनल स्कूल पहुंची। स्कूल के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों के द्वारा ईश्वर के प्रति अपनी आस्था, श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त किया गया। यहां से चलकर डोली ने दर्शन किए घुत्तू के नागराजा जी के और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर ल्वारा, लमकोंडी, नागजगई, छेड़ाघाट, पाटियो, बसुकेदार और कौशलपुर होते हुए पहुंची पठाली धार। तत्पश्चात किरोड़ा, बस्टा, मुन्ना देवल, धरियांज से जखोली, बड़मा से यात्रा समाप्त कर सिद्ध सोड़ मां काली मंदिर पहुंची। यात्रा ने मां काली के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और मां की भव्यता को शत शत नमन कर जखनोली, नागधार कोट, पांजड़ा, सांकला होते हुए जखोली पहुंची। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। एवं कवि रत्न श्री श्री कृष्ण सेमवाल जी तथा उनके शिष्य ने मां जगदीशिला व बाबा विश्वनाथ का अभिनंदन संस्कृत भाषा में श्लोकों के माध्यम से किया। श्री विश्वनाथ हृदय जगदीशिलासा लोकाय देहि सततम् भुवि सुप्रभातम्। जखोली से चलकर यात्रा आ पहुंची अपने अगले पड़ाव बचीरा गांव। यहां पर यात्रा ने रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल में यात्रा ने दर्शन किए श्री नागेंद्र देवता के।
राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ में एक गांव है कैलाखुरी। कैलाखुरी में एक व्यक्ति जो है बहुत पूजा करता था भगवान शंकर। जब भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए तो उन्होंने बोला बताइए तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा उस व्यक्ति ने कि मुझे अपनी शक्ति का एक बटाचार मुझे दे दो। भगवान शंकर ने जो है तथास्तु बोला, उनको एक बटाचार जो है शक्ति दे दी। और उसके बाद उनको ये भी बोल दिया गया कि अब तुम इसके बाद यहाँ से चित्तौड़गढ़ के कैलाखुरी गांव से जो है तुम हिमालय पर चले जाओ, हिमालय में तुम्हें नाग रूप में भी पूजा जाएगा। इसलिए जो है इस देवता को नागेंद्र देवता भी कहा जाता है। अब यात्रा चल पड़ी अपनी अगली मंजिल की ओर। निरंतर बिना थके चलने वाली बाबा विश्वनाथ व माँ जगदीशिला की डोली यहाँ के मूल प्राकृतिक संपन्नता का आनंद लेती, मन आत्मा की सतत साधना करती। ममणी, गोती, अमकोटी, पथेलडू, चिरबटिया, ओडाधार, मूलगढ़, मुयालगांव और जखियाली होते हुए डोली रथ यात्रा पहुंची घनसाली। सुंदर दृश्यों का अवलोकन करती, खुशहाली की कामना करती ये डोली रथ यात्रा पहुंची सेंदुल। यहां पर शिक्षा व संस्कृत भाषा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर वाचस्पति मैठाणी ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। सेंदुल के पास ही है खैट पर्वत, जिसे परियों का देश भी कहा जाता है। सेंदुल से डोली रथ यात्रा सिलियारा श्री नागराजा मंदिर के दर्शन प्राप्त करने आई और नागराजा की छवि के दर्शन कर श्री बूढ़ा केदार मंदिर पहुंची। बाबा विश्वनाथ व मां जगदीशिला ने अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। बूढ़ा केदार मंदिर बाल गंगा और धर्म गंगा के संगम तट पर स्थित है। कहा जाता है बाबा भोलेनाथ बाबा केदार ने यहां पर पांडवों को वृद्ध रूप में दर्शन दिए। कहा यह भी जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडव शिव दर्शन हेतु गए तो उन्हें इस स्थान पर ऋषि वाल्मीकि मिले। उन्होंने पांडवों से कहा अगर उन्हें शिव दर्शन करने हैं तो वो भृगु पर्वत पर जाएं और वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति तपस्या करता दिखाई देगा, वही शिव है। यहां पर स्वयंभू शिवलिंग है जो कि वृद्ध रूप में है। इसके बारे में पुजारी बताते हैं कि शंकर जी का पूर्ण रूप है, जटा है, दोनों तरफ से नाग है, ऊपर से गंगा जी का आकार है, कान में कुंडल है और बाएं हाथ में त्रिशूल है।